हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जेरी एंड ये है मेरा हैरी। तो आज हम आए हैं एक सूरत की सबसे खूबसूरत जगह पे, जो आगे आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे है पार्किंग, हमने अभी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम जाएंगे अंदर। तो देखो, स्टे ट्यून और पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम गोपी तालाब आए हैं। जेरी ने तो आपको पूरी एंट्री वगैरह दिखा दी, लेकिन ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है। इसके पीछे काफ़ी बहुत हिस्ट्री पूरी हुई है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये जो गोपी तालाब है, ये गोपीपुरा में स्थित है। तालाब को एक ब्राह्मण व्यापारी मलिक गोपी द्वारा 1510 ईस्वी में बनाया गया था। गोपी को यह मलिक की उपाधि गुजरात के मुगल राजा से सूरत के विकास में उनके योगदान के सम्मान में मिली थी। गोपी का उल्लेख पुर्तगाली साहित्य में लॉर्ड ऑफ सूरत के नाम से भी है। 2012 में गोपी तालाब को सूरत नगर निगम द्वारा फिर से विकसित किया गया और इसके आसपास के क्षेत्र को एक मनोरंजक सुविधा के रूप में बनाया गया। और इस पूरे क्षेत्र को और इस गोपी तालाब को बनाने में सूरत नगर निगम को लगभग 27 करोड़ रुपए का खर्चा आया। जैसे कि आप मेरे पीछे गोपी तालाब देख पा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा गोपी तालाब नहीं है। इस तालाब में 15 करोड़ गैलन वाटर रखने की क्षमता है, मतलब 15 करोड़ गैलन पानी ये अपने अंदर समा सकता है। इस तालाब के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है, ये टोटल 7 हिस्सों में बटा हुआ है। यानी कि यहाँ पे 7 भागों में इस सराउंडिंग एरिया को डिवाइड किया गया है, 7 जोन्स है। वो सारे जोन्स को मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए व्लॉग को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, मैं हिस्ट्री जोन के सामने खड़ा हूँ। ये अपना पहला जोन है। हिस्ट्री जोन में आप देख पाएंगे चतुष्मुखी वाव मोटिव और एक छोटा सा यहाँ एम्फी थिएटर टाइप भी है। तो चलिए देखते हैं पहला हिस्ट्री जोन कैसा है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। काफी मस्त वाइब आती है अंदर जाते जाते। ऐसा लगता है कि कोई अलग दुनिया में जा रहा हूँ, एंशिएंट एकदम। पहले के जमाने में लोग कितने कलाकार थे ना, कैसे मतलब इन सब चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया होगा। देखिए यहाँ पे SMC द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि उन्होंने लिखा है उस पर कि ऐतिहासिक गोपी तालाब में अवेल चतुष्मुखी वाव आश्रय 300 वर्ष जूनी है। देखिए क्लोजअप। शाम को तो इसमें पानी वगैरह होता है,
अभी तो पानी नहीं है, लेकिन शाम के वक्त अगर आप आएंगे समझ लीजिए कि 5 या 6 बजे के दौरान, उस टाइम पे तो आपको यहाँ का नज़रिया दिल छू लेगा, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में लाइट्स जल रही होती है इन सारी दीवारों पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइट्स है इन पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये लाइट्स कलरफुल लाइट्स है, और जो इस मतलब ये जो पूरा सराउंडिंग एरिया है ये लाइट से ऐसा जगमगाता है कि दिल को ना बहुत सुकून दिलाता है। अगर आप गोपी तलाव आ रहे हो ना, तो मेक श्योर कीजिए कि आप शाम को आए। आप बोलोगे कि इससे बढ़िया जगह मैंने देखी ही नहीं, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आपने पहला मतलब वे देखा, वैसे ही इस वाव को देखने के लिए सराउंडिंग में 4 डोर्स हैं, और चारों के चारों डोर्स बहुत लाइट से जब जगमगाते हैं ना, तो मज़ा आ जाती है एकदम। गाइस, आपको जैसे हैरी ने दिखाया फूड जोन, वो था एक स्टॉल जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक चालू रहेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी डस्टबिन दी हुई है हर जगह पे, ताकि आप कुछ खाओ तो उसका कचरा बाहर नहीं फेंको, डस्टबिन में फेंको, ताकि यहाँ पे क्लीनलीनेस बनी रहे। और यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है, ताकि आपको वॉशरूम जाने के लिए सफ़र नहीं करना पड़े। यहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़ के लिए दोनों के लिए वॉशरूम अवेलेबल है। गाइस, अभी मैं इन्वायरमेंट जोन के सामने खड़ा हूँ। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज हैं। ऊपर दिखा, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज हैं, और आजू बाजू भी काफ़ी सराउंडिंग में ट्रीज हैं, और यहाँ पे ग्रास भी है। अच्छा माहौल है। तो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। ये है रास्ता, और यहाँ पे बहुत धूप है तो मैं कुछ देख नहीं पा रही, इसके लिए बताता हूँ।
फैंटा जो है कोल्ड ड्रिंक उसका टेस्ट इतना अच्छा है जो मैंने एक और मंगाई थी, और पॉपकॉर्न भी बहुत टेस्टी है कॉम्बो। तो गाइस अभी हमने पेट पूजा कर ली है, काफ़ी धमाके खाया है, खाने के बाद चेरी थोड़ी सुस्त हो गई है है ना चेरी? लग रहा होगा आपको। हम जा रहे हैं अभी नेक्स्ट जोन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट जोन कौन सा है, आपको भी दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं टेक्सटाइल जोन। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा कुछ है, यहाँ पे बच्चों को बहुत मजा आता है। देखिए यहाँ पे कितना क्यूट सा सीसॉ है छोटे बच्चे के लिए। वाओ है। ये सारी राइड्स सिर्फ छोटे बच्चे कर सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए ही बनाया गया है, और बड़े अगर करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए आपने करना अपने बच्चों को करवाना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस, अभी मैं फिलहाल कॉम्युनल हारमोनी जोन के सामने खड़ा हूँ। हमने बाकी सारे जोन्स तो देख ही लिए हैं, अभी देखते हैं कॉम्युनल हारमोनी जोन जिसमें एक मेडिटेशन एरिया भी है। तो यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं तो मेडिटेट भी कर सकते हैं बैठकर, मतलब काफ़ी बड़ी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है, थोड़ा गजीबो टाइप है। तो यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, और सराउंडिंग में काफ़ी ग्रीनरी है तो यहाँ पे अच्छा आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है बैठकर। गाइस हारमल कॉम्युनी जोन काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी ग्रीनरी है, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और आजू बाजू में काफ़ी ट्रीज है, काफ़ी फैमिलीज आई हुई है, दे आर इंजॉइंग दे आर वीकेंड। सो आप भी आइएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी बड़ा है, लॉन टाइप का है, यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रास से प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों को इचनेस वगैरह होती है ग्रास पे बैठने से, तो आप बेंचेस पे बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आइसक्रीम वगैरह भी मिलेगी।
चलिए ट्राई करते हैं आइसक्रीम। वैसे तो मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है ट्राई करते हैं यार। कैसी लगती है? आप देख सकते हो इस प्रकार का कुछ मेन्यू है गोपी तलाव कैंटीन का। ठीक है, पॉपकॉर्न मिलता है यहाँ पे, पॉप फैंटा, चॉकलेट कोन, चोकोबार, मैंगो डॉली, मावा मलाई, डी वाटर और चिप्स वगैरह जो अपने बाहर परचेज करते हैं वहाँ। यहाँ पे उनकी प्राइसिंग आई थिंक ज़्यादा है, बट ठीक है। भैया दो चोकोबार कर गया ना, दो चोकोबार।